हेलो गाइस, दिस इज शोई को। और दोस्तों, एसुस ने कुछ मंथ पहले अपना एक नया डिवाइस को कर दिया था इंडिया में लॉन्च, जिसका नाम है एसुस का ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1। और गाइस, एसुस ने ये बोला था कि एसुस का ये डिवाइस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 ये डिवाइस 3GB, 4GB और 6GB रैम वेरियंट में हमें मिलेगा। लेकिन गाइस, तब ये डिवाइस अवेलेबल हुआ था 3GB और 4GB वाला वेरियंट के साथ, लेकिन कोई 6GB वाला वेरियंट नहीं आया था। 6GB वाला वेरियंट का क्या पंगा है, 6GB वेरियंट में हमें बहुत ही अच्छा, उससे अच्छा 3GB और 4GB वाला वेरियंट से अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, और यही बस, और रैम ज़्यादा होगा, यही बस। लेकिन गाइस, अभी तक वो 6GB वाला वेरिएंट नहीं अवेलेबल हुआ है फ्लिपकार्ट में। एसुस ने भी कुछ नहीं बोला कि कब आएगा ये डिवाइस, ऑफिशियली कुछ नहीं बोला। तो दोस्तों, अभी एक बात करना चाहूँगा कि जो ये 6GB वाला वेरिएंट है वो लिस्टेड हो गया है फ्लिपकार्ट में। जी हाँ दोस्तों, वो लिस्टेड हो गया है फ्लिपकार्ट में। लेकिन गाइस, उसमें अभी भी काम चल रहा है, वहाँ पे अभी लिखा है, आप देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट, अभी लिखा है करेंटली अनअवेलेबल। और गाइस, अगर आप यहाँ पे देखेंगे पेज सोर्स, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इस डिवाइस का स्पेसिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 6GB का रैम, जैसे कि आप देख सकते हैं हाईलाइट करा हुआ है, और देखने को मिलेगा 16MP का फ्रंट कैमरा, और देखने को मिलेगा 16MP का रियर कैमरा। ये काफी हद तक लगता है कि बहुत ही जल्द ये डिवाइस, इस डिवाइस का 6GB वाला वेरियंट भी हमें मिल जाएगा। 6GB वेरिएंट का पंगा क्या है, इसमें हमें बहुत ही अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल जो वेरिएंट है 3GB और 4GB, उसमें हमें 13MP प्लस 5MP का रियर कैमरा और 13MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये जो 6GB वाला वेरिएंट है, इसमें हमें देखने को मिलेगा 16MP प्लस 5MP का डुअल रियर कैमरा, और फ्रंट में हमें देखने को मिलेगा 16MP का फ्रंट कैमरा। तो गाइस, जाहिर है कि ये जो 6GB वाला वेरिएंट है, उसमें हमें कैमरा अच्छा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कैमरा अच्छा मिलेगा, और बाकी सब कुछ सेम ही है, और रैम ज़्यादा मिलेगा। और दोस्तों, प्राइसिंग के बारे में बात करें अगर, तो जब ये डिवाइस लॉन्च हुआ था, तब भी इसका प्राइसिंग जो 6GB वाला वेरिएंट है उसका अनाउंस कर दिया था, और ये 6GB वाला वेरिएंट हमें मिलेगा लगभग 15,000 की प्राइसिंग रेंज में, और ये हमको मिलेगा एक्सक्लूसिवली ऑन फ्लिपकार्ट। तो गाइस, जाहिर है कि ये एक हिंट है कि बहुत ही जल्द हमें ये डिवाइस मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में ये करंटली अनअवेलेबल दिखा रहा है, और यहाँ पे लिखा है एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 ग्रे 64GB। तो दोस्तों, ये अभी तो यहाँ पे तो कोई 6GB नहीं लिखा है। और गाइस, अगर आप यहाँ पे देखेंगे पेज सोर्स, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस डिवाइस का स्पेसिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 6GB का रैम, और देखने को मिलेगा 16MP का फ्रंट कैमरा, और देखने को मिलेगा 16MP का रियर कैमरा। और गाइस, अगर आप इसे देखना चाहते हैं, तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो गाइस, मुझे लगता है कि ये डिवाइस बहुत ही जल्द हमें मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि अगले सेल में ही ये डिवाइस शायद अवेलेबल हो जाएगा। अगले सेल में अगर नहीं होता है, तो उसके बाद के सेल में ही हमें देखने को मिल जाएगा ये डिवाइस, हमें खरीदने को मिल जाएगा ये डिवाइस, मतलब इस डिवाइस का 6GB वाला वेरिएंट। तो दोस्तों, आप मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि आप क्या इस डिवाइस का 6GB वाला वेरिएंट में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही जल्द इस डिवाइस का ये वेरिएंट अवेलेबल हो जाएगा। तो बस इतना ही इस वीडियो में, आशा रखते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो का जी लाइक एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम है शोई, मिलता हूँ आपसे एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।